कॉलम पट्टी क्लासिफिकेशन के बाद में हम देखते हैं इसका लुक स्कोर, इसको भी हम एनेस्थेसियोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। ये न्यूमोनिक होता है लुक लेमन, सॉरी लेमन क्लासिफिकेशन, इसका टोटल स्कोर होता है 10। इसमें हम देखते हैं पहला लुक एक्सटेंसली एल से, इसमें हम पहला देखते हैं फेशियल ट्रूमा, फेशियल ट्रूमा होगा तो इसको एक स्कोर देंगे। उसके बाद में लार इंसिजर, इसमें स्कोर एक देंगे। इसके बाद में बियर्ड और मस्टेक्स, इसमें भी हम स्कोर देंगे एक। इसके बाद में देखते हैं लार्ज टंग, इसको भी हम स्कोर देंगे एक। इसके बाद में सेकंड देखते हैं लेमन स्कोर में ई, ई से क्या डिनोट करते हैं एवेल्युएट, इसमें द 3-3-2 रूल यूज़ किया जाता है। इनमें इंसिजन डिस्टेंस होती है 3 फिंगर ब्रिचेट, इसमें क्या होता है कि हम माउथ में पेशेंट के 3 उंगली डाल के देखते हैं, अगर ये नॉर्मली जा रही है तो स्कोर देंगे एक। इसके बाद में हार्ड मेंटल डिस्टेंस 3 फिंगर ब्रिकेट, इसमें क्या है कि चिन के नीचे, जैसे हम चिन और ट्रेके के बीच में हम 3 उंगली रखते हैं, अगर ये नॉर्मली फिट हो रही है तो इसमें स्कोर देंगे एक। इसके बाद में देते हैं थायराइड टू माउथ डिस्टेंस 2 फिंगर ब्रिकेड, इसमें हम देंगे एक। इसमें मोस्टली थायराइड और माउथ के बीच के नीचे, चिन के नीचे 2 उंगलियाँ रखते हैं और नॉर्मली सेट हो रही है तो इसको एक स्कोर देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं एम, एम में मेलम पट्टी, जो कि हमने पहले भी बता दिया था, इसको इसको मेलम पट्टी स्कोर होता है मोस्टली 1-3, तो इसको स्कोर देंगे एक। इसके बाद में हम देखते हैं ओ, ओबस्ट्रक्शन प्रेजेंस ऑफ एनी कंडीशन लाइक एपिगलोटियस पेरिस्टोनिसलर अब्सेस और ट्रूमा, ये अगर हो तो पेशेंट को हम एक स्कोर देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नेक, नेक मोबिलिटी, अगर पेशेंट की नेक अच्छे से मोबिलाइज है, लिमिटेड नेक मोबिलिटी है, तो इसको एक स्कोर देंगे। इसका टोटल स्कोर होता है 10। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम रामसे सेडेशन असेसमेंट स्केल, इसका यूज भी एनेस्थेसिया में किया जाता है। इसमें 2 तरीके से देखा जाता है, पेशेंट अवेक है या एस्लिप है। अवेक में देखते हैं पेशेंट एनजीएस एंड अगेंस्ट इट और बोथ, मतलब पेशेंट एनजीएस एंजाइटी फील कर रहा है तो इसको एक स्कोर देंगे। इसके बाद में इसके लेवल देखते हैं पेशेंट कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव एंड ओरिएंटेड एंड ट्रैकल पेशेंट रेस्पॉन्स टू कमांड ओनली, इसमें पेशेंट कोऑपरेटिव एंड ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विल, इसका देते हैं 2 स्कोर। इसके बाद में देखते हैं पेशेंट रेस्पॉन्स टू कमांड ओनली, इसके देते हैं हम 3। इसके बाद में एस लिप, इसमें ब्रिक रिस्पॉन्स ऑफ टू ए लाइट ग्लोबुलर टेप, इसमें पेशेंट के आंखों में लाइट मार के देखी जाती है तो ये रिस्पॉन्स करता है, तो इसको 4 हम स्कोर देते हैं। इसके बाद में लेवल इसमें देखते हैं ए स्लाइज रिस्पॉन्स टू ए लाइट ग्लोबुलर ट्यूब, इसको देते हैं हम 5। नो रिस्पॉन्स होता है तो पेशेंट को हम देते हैं 6 स्कोर। आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ जेएमसीएच में 2016 में, द मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन डील विथ, मतलब मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है। तो पहला इसमें ऑप्शन है पैटर्न ऑफ स्लीप डिस्टरबेंस इन इंसोमनिया,
मतलब पेशेंट को नींद नहीं आती है, इसके स्लीप डिस्टर्बेंस है उसमें किया जाता है। दूसरा है वुंड असेसमेंट इन अनस्टेजेबल अल्सर, इसमें सेकंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है एयरवे असेसमेंट इन एनेस्थेसियोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इंटेंसिव केयर सेटिंग। तो इसका राइट आंसर है 3। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और आने वाले नए नए वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।